मथुरा गोवर्धन गिरिराज जी परिक्रमा लगाकर लौट रहे परिक्रमार्थियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। मौके पर पहुंची राधाकुंड चौकी पुलिस ने घायलों को गोवर्धन जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिक्रमार्थी राम नरेश ने बताया कि गांव धन्ना थाना मजबूरा जिला मैनपुरी से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 40-42 लोग शुक्रवार को गिरिराज महाराज की 7 कोसीय परिक्रमा लगाकर शनिवार सुबह राधाकुंड छड्डीकरा रोड पर लौट रहे थे। जुलहैदी गांव के पास अकस्मात ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें विजेंद्र बाबा उम्र करीब 60 वर्ष, पुत्र रामेश्वर, राजवीर सिंह, हकीम सिंह, बलबीर सिंह, श्यामलाल अंगेज सिंह, झूमरीलाल, मुन्नालाल, एरन सिंह निवासीगढ़ गांव धन्ना थाना मजपुरा जिला मैनपुरी के आदि लोग घायल हो गए हैं। वहीं राधाकुंड पुलिस चौकी इंचार्ज अमरेश सिंह जी ने बताया कि परिक्रमार्थियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तेज गति में थी, जुलहैदी के निकट बेकार होने के कारण पलट गया, जिसमें घायल लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल गोवर्धन। सर, अभी जो दुर्घटना हुई उसमें कितने लोग आए थे? देखिए, हमारे पास अभी सूचना मिली थी कि एक ट्रॉली पलट गई है छटीगरा रोड पर, जो मैनपुरी के रहने वाले हैं। 5-6 लोग यहाँ पर हमारे पास लेके आए थे उनको ट्रीटमेंट के लिए, जो सभी ठीक हैं, उनकी फर्स्ट एड करके दवा और वो सब चल रही है यहाँ पर। बताया जा रहा है किसी महिला के टांके वगैरह भी है? हाँ हाँ, थोड़ा सिर फट गया था तो उनके टांके भी लगाए हैं और यहाँ पर एडमिट कर लिया है। कितनी महिलाएँ हैं? 3-4 महिलाएं और बाकी पुरुष हैं, जिनका यहीं पर इलाज हो रहा है। नाम है आपका? शरद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी साहब, गांव मजपुरा। क्या घटना हुई आप साथ में? इधर से साहब परिक्रमा लगाए हम जा रहे थे, बाथरूम का नाम कपड़े तो जा रहे थे, तो रास्ता में आगे कुत्ता आ गया, कुत्ता को बचाया था, ट्राली बन गई हमारी। कौन सी जगह घटना है? जो वो है छटीगढ़ा रोड पर। कितने लोग हताहत हुए हैं जी? कितने लोग हताहत हुए हैं? 12 कितने लोगों को? 12 लोग हैं। और यहाँ कितने गोवर्धन में कितने लोग हैं आप? यहाँ पे हैं 5 लोग। और बाकी लोग? बाकी लोग गए। कितने? यहाँ 7 लोग हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? वृंदावन। उनको वृंदावन भेज दिया गया? जी जी। उनकी जान सीधे सीधे चोट है, बांह टूट गई और चोट जाना है तुम्हारे मरे में। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।